आज हम बात कर रहे हैं अपने फेयर एंड ग्लोइंग स्किन की, तो इसके लिए हम DIY एलोवेरा फेशियल करेंगे। स्टेप बाय स्टेप देखना और मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना। फर्स्ट स्टेप है क्लिंजिंग। तो क्लिंजिंग के लिए मैं यहाँ एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके घर एलोवेरा प्लांट है तो आप यूज़ कर सकते हो। एलोवेरा जेल और दूध मिक्स करके लगाने से चेहरे से धूल मिट्टी, डेड स्किन और गंदगी साफ होती है और स्किन ग्लो करती है। तो इससे हम 5 मिनट तक अपने चेहरे पे मसाज करेंगे सर्कुलर मोशन में और फिर वाइप के हेल्प से चेहरे को क्लीन करें। स्क्रबिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ राइस फ्लोर। आप राइस फ्लोर को स्किप करके कॉफ़ी भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं 2 चम्मच राइस फ्लोर ले रही हूँ, मिल्क 2 चम्मच और एलोवेरा जेल अगेन। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। राइस फ्लोर डेड स्किन क्लियर करता है और हमारे फेस में ताजगी बनी रहती है। ब्लैक हेड वाइट हेड को भी रिमूव करने में ये बहुत मददगार है। टिप्स के हेल्प से ही आप स्क्रब करें। पाम का यूज नहीं करना स्क्रब करते टाइम। आप यूज करो अपना टिप्स के हेल्प से स्क्रब करो। और जो आपके फोरहेड है, चिन है, नोज है, वहाँ वाइट हेड ब्लैक हेड की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, तो अच्छे से स्क्रब करना ना भूलें। आफ्टर स्क्रबिंग मैं यहाँ टॉवल स्टीम ले रही हूँ। मसाज के लिए अगेन मैं एलोवेरा जेल ले रही हूँ और उसमें मिक्स कर रही हूँ लेमन एसेंशियल ऑयल। लेमन एसेंशियल ऑयल हमारे फेस को ब्राइटन करता है। इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती है, तो फाइन लाइन और रिंकल्स के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल है। फेस से कील मुहासे और उसके दाग धब्बे को भी दूर करने में हेल्पफुल है। तो एलोवेरा जेल और लेमन एसेंशियल ऑयल मिक्स करके अपने पूरे फेस पे अप्लाई कीजिए और सर्कुलर मोशन में मसाज कीजिए। ये आपके फेस को ब्राइटन करेगा और आपके फेस को फेयर एंड ग्लोइंग बनाएगा। फेस पैक के लिए मैं ले रही हूँ चंदन पाउडर, गुलाब जल और एलोवेरा जेल। ये हमारे फेस को ग्लोइंग और शाइनी तो बनाएगा ही, साथ में हमारे फेस को रिफ्रेश रखेगा, हमारे फेस को ब्राइटन करेगा और पिंपल्स और पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम को भी दूर करेगा। फेस पे 10 मिनट के लिए अप्लाई करना है। 10 मिनट के बाद अपने फेस को वॉश कर लेना है। वीक में एक बार एलोवेरा फेशियल जरूर करें और आप देख सकते हैं मेरे फेस पे कितनी ग्लो है। तो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।